वहीं पर रुकना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अहमदाबाद में आज मेरे दूसरे दिन की दूसरी नाइट है। ये लाइन मुझे जस्ट अभी अंदर से आलोक भाई ने डिलीवर किए, किधर गए, फ्रेश होने गए। तो आज रात को वापस हम लोग अहमदाबाद को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। कल हमने मानेक चौक एक्सप्लोर किया था, आपने वो व्लॉग देखा होगा, बहुत बढ़िया था। मतलब व्लॉग बढ़िया था या नहीं वो तो आप मुझे बताओगे, बट मानेक चौक बहुत बढ़िया था। और आज भी हम लोग बाहर जा रहे हैं। बस हमारे जो ये अहमदाबाद के कबीर सिंह है वो अपना एक एड एडिट कर रहे हैं। आज ये भाई एक कौन सा व्हीकल, ई व्हीकल का एड, इलेक्ट्रिक व्हीकल का एड शूट करके आए, तो उसका एडिटिंग चल रहा है। बस हो गया, अब आपको बताई जाएगी अहमदाबाद की, अहमदाबाद नहीं बोलने का, अहमदाबाद की नाइट लाइफ। आज ना ऐसे मैंने आज का ये जो व्लॉग है वो ज़्यादा प्लान नहीं किया है। आज जो होगा वो नेचुरल होगा, ठीक है। आज मैं अगर बोलने में गलती भी करूँगा तो वो भी हम सुधार लेंगे। नेचुरल, आज सब नेचुरल होगा। और हमारे साथ आलोक भाई भी है जो रेडी हो रहे हैं। कब से रेडी हो रहे हैं, क्या करें भाई, रेडी तो होना पड़ेगा ना, वरना कोई देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो फिर क्या मजा नहीं है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ, इन दोनों ने आज जो एड शूट किया ना उसमें आलोक भाई की एक्टिंग मैंने देखी, मतलब कुछ ग्लिम्स मैंने देखे और मुझे इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। एड का जो डिस्क्रिप्शन है, जब ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, जब भी वो एड आएगा मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, ठीक। तो वो आप देखना, मुझे आलोक भाई की एक्टिंग अच्छी लगी है और तपन भाई की एक्टिंग अभी तक मैंने देखी नहीं है, बट अभी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी देख ही लेंगे। आलोक भाई का कहना है कि मेरी एक्टिंग है ना एकदम वरुण धवन जैसी है। अच्छा बोलो, कुछ क्या बोल रहे थे? नहीं, आपने हमको इतना अच्छा बोला, ठीक है। मेरी एक्टिंग की अगर बात करो तो आप जितना बोल रहे हो मुझे नहीं लगता मैंने इतना अच्छा किया होगा। एक्चुअली सिर्फ कैमरे के सामने क्या थोड़ा बहुत बोलने की आदत है, लेकिन ये एक्टिंग वेक्टिंग ये सिर्फ तपन भाई के लिए मैंने वो किया है कि कैमरे के पीछे मैं हमेशा काम करता हूँ, मेरा जो प्रोफेशनल वर्क है। लेकिन फिलहाल तपन भाई के लिए मैं कैमरे के सामने आके आज एक्टिंग किया हो, तो पता नहीं आपको पसंद आई होगी तो ठीक बात है। देखो, बड़े लोगों की और बड़े एक्टरों की एक बात है, वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करते। अरे आप शर्मिंदा कर रहे हो मिलन भाई हमको। मोनेट बात पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सो गाइस, रात के 9:15 और हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कौन से होटल में तपन भाई, कौन से होटल में? दाना पानी मोस्ट ऑफली, या फिर एक दूसरा एरिया है वहां पर जा सकते हैं। पानी निकल रहा है, दाना पानी वैसे काला पानी टाइप साउंड कर रहा है। दाना पानी है, फिर एक लजीज करके है और एक दूसरा है वो मैं नाम भूल गया, मतलब तीन में से एक जगह ले जाऊंगा, कहीं तो जाएंगे। ठीक है भाई, एक बात सीरियसली बोलता हूँ, मैं लास्ट में बैठता हूँ, थोड़ा स्लो चलाना, मुझे कल बहुत डर लग रहा था गिरने का। तो मैं लास्ट में बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, चलेगा लास्ट में चलेगा। अच्छा, बट थोड़ा स्लो। हाँ, वो कबीर सिंह की आत्मा अचानक आ जाती है, वड़ा वहाँ ऐसे अंदर और थोड़ा आगे बस। ओके, ये लोग कल भी मिले थे और आज भी मिल रहे हैं। अरे हो गया। हाँ भाई, आ रहे हो। भाई स्लो, थोड़ा स्लो भाई, ये अहमदाबाद है, सब कुछ यहाँ गाय गाँव एकदम फास्ट एंड फास्ट चलता है। आप लोग देख रहे हैं तपन भाई फुल ऑन कबीर सिंह वाले मोड में चला रहे हैं बाइक। तो तपन भाई मित्र, आप हमें ये कहाँ लेके आए हो? ये है मस्ती रेस्टोरेंट, जहाँ मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई होती है। अच्छा। यहाँ नाम है मस्ती, पर हम ग्रेट ग्रैंड मस्ती करते थे। मस्ती रेस्टोरेंट में हम लोग मस्ती करने तो बिल्कुल नहीं आए, खाना खाना है, भूख लगी है। आलोक भाई को भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो हमने कुछ तो मंगाया है। रोगन लॉलीपॉप बहुत फेमस होती है। अच्छा, यहाँ के लॉलीपॉप बहुत फेमस होते हैं, तपन भाई को बहुत पता है, जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ पे आते रहते थे। आलोक भाई पता नहीं क्या
टाइपिंग कर रहे, भूख पे इनको भी लगी है, बट भूख लगी है लेकिन एक्चुअली ना मुझे टेंशन ये बात का है कि हम पहले आते थे आज से, मतलब कोरोना काल से पहले तो बहुत बढ़िया मिलता था, फिर कोरोना काल के बाद है ना यहाँ बिगाड़ दिया, अब क्या होगा? नहीं नहीं उन्होंने पता चलेगा, उन्होंने वैक्सीन वैक्सीन लगाए होंगे, आ जाएगा वो, आया होगा टेस्ट। हाँ ये ना ऐसे पकड़ने से ही जो क्रंचीनेस है ना वो फील हो रहा है। डीप करके पहले विदाउट डीप ही करना था, बट एनीवे चीज तो बढ़िया, क्या बोलते आलोक भाई? डिफरेंट एंड बढ़िया। आलोक भाई टेस्ट पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअली मैं इस जगह को क्या के एक्सप्लोर करूँ, मतलब मिलन भैया और मेरी भी थोड़ी बहुत खासियत रही है, हम अंडररेटेड जगह ही चॉइस करते हैं, पर ये खाने के लिए भी अंडररेटेड जगह चाहिए। आइसक्रीम पार्टी चल रही है हम लोगों की, सो गाइस रात के 12 बज चुके और हमारे भी 12 बज चुके क्योंकि हमने आज थोड़ा लंबा खींच लिया। तपन भाई हमको 20-25 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए लेके गए थे, बट खाना खाना था बढ़िया, बढ़िया था पैसा वसूल खाना था। कल रात को हमने 2 बजे तक बातें की थी, फिल्मों की बातें हमने ज्यादा की थी। आज भी ऐसा होगा ऐसे सोच के हम लोग ना स्नैक्स भी लेके आए, लोग फिल्मों के किधर है, वो उधर के आगे उसके ऊपर ही कूलर के ऊपर ही है, कूलर के ऊपर स्नैक्स रखे हैं आलोक भाई ने। तो लोग रात को जब मूवी देखते हैं तो मूवी को एंजॉय करने के लिए साथ में स्नैक्स रखते हैं, बट हमने बात करने के लिए स्नैक्स रखे, मूवी की बातें करने के लिए स्नैक्स रखते हैं। सो गाइस रात के 2:30 बजे है, 2:30 बजने में 1 मिनट बाकी है और हम लोगों की जो बातें है वो खत्म ही नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पर भी बातें चल रही है, मैं थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए वहाँ दूसरे रूम में चला गया। आपका ये पैकेट लेकर तपन भाई ने एड जो बनाई थी वो प्रोड्यूस हो गई है और बेस्ट एड बनी है, आप देखना एक बार और बताना कि कैसी एड बनी है। आपको भी अगर बनवानी हो तो, हाँ अगर आपको भी बनवानी हो तो तपन भाई का कॉन्टेक्ट कीजिए। आपका क्या है इंस्टाग्राम हैंडल? तो जैसे कि आपने देखा रात के 2:30 बजे अब तक हमारी बातें चली रही है, बट अब ना मुझे सोना पड़ेगा क्योंकि इनको कल सुबह वापस एक एड शूट करना है और इनको कुछ ड्रोन शॉट्स चाहिए तो उसमें मुझे हेल्प करनी है। 6 बजे हमको जाना है ना, जस्ट हमारा जो शूटिंग टाइम है वो सुबह 6 बजे का है, तो बैटमैन जैसा है 2:30 बजे तक हम लोग जग रहे, 6 बजे जैसे तैसे हम लोग नहीं उठ रहे थे ना, तो आलोक भाई ने पंखा बंद कर दिया था, जो नॉर्मली हमारे घर में जो मम्मियाँ और बीवियाँ होती है जब हम लोग नहीं उठते हैं तो पंखा बंद कर देते हैं ना, वो हमारे इस मतलब हमारे ये अहमदाबाद के जो टूर है उसमें हमारे आलोक भाई है पंखा बंद कर देते हैं। सो गाइस सुबह के 6:05 होने को आए और हम लोग अभी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तपन भाई को कुछ एड रिलेटेड कुछ शूट करना है, कुछ शॉट्स लेने वो लेने, सनराइज़ को कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। मैं मेरे बॉस से ब्लॉग्स में बोलता हूँ ना सनराइज़ कैप्चर करना है, सनसेट कैप्चर करना है, तो आज हम अहमदाबाद का सनराइज़ कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। रात के 3 बजे सोए, 5 बजे उठ गए, अब तपन भाई तो उत्तरायण से सोए नहीं है। खुल गई। हम लोग फिलहाल एक हैवी शूट पे जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, बट हम दोनों को मतलब आलोक भाई को और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना चाय पिए ना हमसे काम होगा नहीं।
हाँ जी गाइस, तो पहुंच गए हैं हम हमारे लोकेशन पे और सूरज उगने की वेट कर रहे हैं और हमारे सारे कैरेक्टर्स, मतलब जो एड हम लोग शूट कर रहे हैं उसके सारे कैरेक्टर्स वहाँ पे। जैसे ही सनराइज होगा हम एड, हमारा जो शूटिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। चाय मिली नहीं है तो ना बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। रात को लेट सोए थे ना, तो सुबह सुबह चाय मिल जाती तो एक फ्रेशनेस आ जाती, बट नेवर माइंड, चला लेंगे।